हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये जो सेशन है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है गाइज, ठीक है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। पहले गाइज हम जो नोट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। टेबुलर फॉर्म में आपके सारे के सारे नोट्स हैं, न्यूज़पेपर के, बुक्स के, और उसके बाद में आपके कुछ एमसीक्यूज हैं। इसके बेसिस पे जो भी हम करेंगे उसके बेसिस पे आपके एमसीक्यूज होंगे। सो गाइज, पहले हम क्या करेंगे, आपके नोट्स को कवर अप करेंगे और देन उसके बाद में हम एमसीक्यूज हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पुराने स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए रिवीजन क्लास होगी। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए आप पहली बार में ये टॉपिक है जो आपको करवा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो एक बार आप सब लोग मुझे चेक करके बता दीजिए आपको ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है। क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो और बताओ कि सब क्लियर है गाइस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो प्रोफाइल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोफाइल है मेरा और यहां से आप मुझे फॉलो कीजिए, जिससे कि अनअकैडमी की जितनी भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे हैं वो मिलते रहेंगे। रेफरल कोड है मेरा शिव10, इस रेफरल कोड को लगा के आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड सिंगल सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके इसमें तैयार हो जाएंगे गाइस, ठीक है। आपका कॉम्बो बैच अभी चल रहा है जिसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका होगा। ऑफर है गाइस अभी आपके लिए 12+2 यानी 12 मंथ के साथ में आपको 2 मंथ का फ्री मिलेगा। 27 अक्टूबर तक आपका ये ऑफर वैलिड है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ये मेरा शेड्यूल है और कल आपकी हायर एजुकेशन की क्लास होगी, बाकी क्लासेस नहीं होंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। चलते हैं तो गाइस शुरू करते हैं। बेसिकली हम जो जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड पढ़ेंगे, मतलब कि हम अभी जो आधुनिक भारत है उसके बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनको कंप्लीट करेंगे गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सबसे पहले भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है गाइस वो कौन लेके आए थे, पोर्तुगीज लेके आए थे, ठीक है। पोर्तुगीज हैं वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे गोवा में 1556 में, पहली चीज तो। ब्रिटिश ने अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बॉम्बे में स्थापित की थी 1684 में। ये 2-3 फैक्ट है काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है वो आपकी किसके द्वारा लाई गई थी, पुर्तगीज के द्वारा। ब्रिटिश ने जो अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी वो आपकी कहां पे की थी, 1664 में। तो ये चीज आपको सबको याद रखनी है। उसके बाद में गाइस हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर बिफोर 1900 के पहले और 1850 से पहले के पहले जो भी न्यूज़पेपर है उसको हम एक में देखेंगे, फिर उसके बाद के इस तरह से हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका न्यूज़पेपर आता है वो आता है बंगाल गजट 1780 में। सबसे पहला कब आता है, बंगाल गजट 1780 में हिकी के द्वारा, ठीक है, जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा ये आपका जो न्यूज़पेपर है वो चलाया जाता है। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया और एशिया, प्लीज इसको भी याद रखना, ये पहला न्यूज़पेपर था गाइस जो इंडिया में और एशिया में आया था, कौन सा, बंगाल गजट। उसके बाद में 1784 में मद्रास कोरियर आपका, ये पहला न्यूज़पेपर है जो मद्रास से निकलता था। उसके बाद में 1787 में आपका इंडिया गजट आता है और 1789 में आपका बॉम्बे हेराल्ड आता है गाइस, और ये पहला न्यूज़पेपर है जो बॉम्बे से निकलता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगी पहला मद्रास का न्यूज़पेपर कौन सा है, तो आप बता देंगे कि मद्रास कोरियर है सर। आपसे पूछा जाए कि पहला बॉम्बे का न्यूज़पेपर कौन सा है, तो बॉम्बे हेराल्ड। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, तो बंगाल गजट, ठीक है, और ये एशिया और भारत का ही पहला न्यूज़पेपर था गाइस। उसके बाद में
1818 में गाइस, ठीक है। 1818 में आपका आता है दिग्दर्शन, और दिग्दर्शन जी सी मारहा मान के द्वारा ये निकाला जाता था। ये फर्स्ट बंगाली मंथली था, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। एक मंथ में एक बार आपका ये निकलता था दिग्दर्शन। उसके बाद में आपका समाचार दर्पण है, तो समाचार दर्पण है गाइस, ये फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर है, बैप्टिस्ट मिशन प्रेस के द्वारा ये आपका निकाला जाता था। कहाँ पे? सीरमपुर बंगाल में, ठीक है। उसके बाद में आपका 1819, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो संवाद कौमुदी, एक मीरातुल अकबर, क्योंकि ये दोनों ही राजा राम मोहन रॉय की हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, संवाद कौमुदी है, ये राजा राम मोहन रॉय की आपकी क्या है, इसके एडिटर थे, और ये फर्स्ट बंगाली वीकली न्यूज़पेपर है गाइस। याद रखना, दिग्दर्शन है ये मंथली है, और संवाद कौमुदी है ये फर्स्ट बंगाली वीकली न्यूज़पेपर है, जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा निकाला जाता था गाइस। उसके बाद में मीरात उल अकबर 1822 राजा राम मोहन रॉय के द्वारा निकाला जाता था, और ये फर्स्ट पर्सियन लैंग्वेज का जर्नल था। कई बार क्वेश्चन इनकी लैंग्वेज से पूछ लिया जाता है कि संवाद कौमुदी कौन सी में है आपकी, तो बंगाली। मीरात उल अकबर कौन सी है, ये आपकी किस में है, पर्सियन लैंग्वेज में ये जर्नल निकलती थी, जो कि बंगाल की फर्स्ट पर्सियन जर्नल थी गाइस, ठीक है। उसके बाद में आपका 1822 में बंगादत्ता, इसके भी राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर, ये पहला पेपर था गाइस जो चार लैंग्वेजेस में निकलता था, ठीक है। 1822 में बंगादत्ता, जिसके एडिटर है राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर, और ये पहला ऐसा न्यूज़पेपर है, पहला ऐसा पेपर था जो चार लैंग्वेज में निकलता था ना। उसके बाद में 1822 में एक बॉम्बे समाचार है, ये पहला गुजराती पेपर था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहला गुजराती पेपर कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है, बॉम्बे समाचार। उसके बाद में 1826 में उधंत मार्टन, ये जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा ये एडिटर थे इसके, और ये फर्स्ट हिंदी वीकली था जो कि कलकत्ता से निकलता था। कौन सा? फर्स्ट हिंदी वीकली जो कि कलकत्ता से निकलता था। उसके बाद में 1838 ये बॉम्बे टाइम्स, ठीक है, और बाद में ये 1861 में यही टाइम्स ऑफ इंडिया बन जाता है, ठीक है। अभी आप देखते हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया आता है गाइस, है ना, ये 1838 में बॉम्बे टाइम्स इसका नाम था, बाद में ये टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में बन जाता है गाइस। फिर 1839 में संवाद प्रभाकर, ठीक है, संवाद प्रभाकर, इसके ईश्वर चंद्र गुप्ता इसके एडिटर हैं, और ये फर्स्ट बंगाली डेली था गाइस, ठीक है। हमने मंथली किया, वीकली किया, अब ये संवाद प्रभाकर हैं, ये डेली निकलने वाला न्यूज़पेपर है, जो कि ईश्वर चंद्र गुप्ता इसके क्या थे, एडिटर हुआ करते थे। 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका, इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर काफी इंपोर्टेंट, आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्ता, तीन लोग इससे जुड़े थे, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड अक्षय कुमार दत्ता, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है गैस। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, तत्वबोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, ये इसी की जनरल है जो निकलती थी गई, तत्वबोधिनी सभा, तो सब लोग इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सर ये सब क्यों याद रखना पड़ेगा क्या? देखो, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो याद रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम नहीं क्लियर करना है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ के आने हैं, तो कोई जरूरी नहीं है याद रखने की, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन मैं आपको डोप टेबल में ही आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। संवाद कौमुदी से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बंगाल गजट से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दिग्दर्शन से आ चुका है आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी सभा, दोनों से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको ये टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ेगा गाइस, सिर्फ नेट यूजीसी के लिए ही, बाकी सारे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आपका हटा 1850 से 1874 तक, ठीक है, 1850 से और 1874 तक के जो न्यूज़पेपर और जो बुक्स हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपका 1851 में रास गोफ्तार, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये दादा भाई नारोजी के द्वारा ये न्यूज़पेपर निकलता था, ये गुजरात से निकलता था बेसिकली रास गोफ्तार, तो प्लीज इसको सब लोग याद रखने लगा। फिर 1852 में विचार लिहरी लाहिरी है ना, तो कृष्णा शास्त्री चिपलुंकर ये इसके एडिटर थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, हिंदू पैट्रियोट 1853 में, ठीक है, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी इसके क्या हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे गाइस, ठीक है। ये इंग्लिश वीकली निकलता था जो कि इंडिगो प्लांटर्स की जो दशा है उसको दर्शाते थे गाइस। उसके बाद में 1855 में ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो विवाह, एक दीना वतनामा वतामानी, दीना वतामानी ये दोनों किसके हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हैं, और ये क्या है आपकी बुक है गाइस, ठीक है, बाबू विवाह का नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस है गाइस, ठीक है, बाबू विवाह, ठीक है, ये विडो रीमैरिज के ऊपर इनकी क्या है बुक है, विडो मैरिज के ऊपर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, काफी इंपॉर्टेंट है इसको भी सब लोग याद रखना है गाइस। 1858 में सोम प्रकाश द्वारकानाथ और विद्याभूषण इसके एडिटर थे, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल प्लान था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा चार्ट आउट किया गया था। 1860 में नील दर्पण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया, नील दर्पण दीन बंधु मित्रन के द्वारा, ये एक प्ले है गाइस जो कि जो नील के जो खेती थी उसके जो किसानों में जो ऑपरेशन होता था अंग्रेजों के द्वारा है ना, उनका दमनकारी जो नीतियां थी उनके बारे में नील दर्पण में बताया गया, इंडिगो रिवोल्यूशन, इंडिगो जो रिवोल्ट था उसके बारे में, इसके बारे में इसमें बताया गया, इंडिगो रिवोल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। 1860 और 1862 में एक आपका इंडियन मिरर था जो कि द्वारकानाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा निकाला जाता था, इंडियन मिरर काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना, इसको सब लोग याद रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में आपका बेंगोली करके निकलता था जिसके गिरीश चंद्र घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके क्या हैं एडिटर रहेंगे, ठीक है, 1862-63 में निकलता था, 1862 में। उसके बाद में ग्राम भरता पुरा प्रकाशिका है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। एंड एक है आपका दुर्गेश नंदिनी, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपने काफी बार सुना होगा इसका नाम। 1865 में एक नोवेल है बेसिकली दुर्गेश नंदिनी जो कि किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, प्लीज इसको याद रखना है, दुर्गेश नंदिनी एक पहला बंगाली नोवेल है, पहला बंगाली नोवेल कौन सा है, दुर्गेश नंदिनी, फर्स्ट बंगाली नोवेल, ठीक है। उसके बाद में एक पाइनियर करके भी है गाइज, एक जो जॉर्ज एलन का है, अलाहाबाद से निकलता था ये, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में एक बुक है आपने सबने पढ़ी होगी गाइस, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो इसमें समझाई जाती है गाइस। उसके बाद में एक है कवि वचन सुधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुधा ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके क्या हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक देखो अमृता बाजार पत्रिका तो बहुत फेमस है, सबको पता होगा, देखो दो चीज पता होनी चाहिए, अमृता बाजार पत्रिका को रातों रात, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाता है इंग्लिश, ठीक है, ये वर्नाकुलर होती है, लेकिन 1878 का हम जो द गैगिंग एक्ट देखें देखते हैं, लिट्टन के द्वारा प्रेस को सेंसर कर दिया जाता है, तब इसको रातों रात ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश,
ठीक है। और इसके जो एडिटर हैं वो हैं शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। कौन से हैं? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, 1868, अमृता बाजार पत्रिका। इसको रातों रात ये वर्नाकुलर में थी, बाद में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना कि लेनिन है, उन्होंने इसको बेस्ट न्यूज़पेपर की संज्ञा दी थी भारत की। लेनिन के द्वारा जो अमृता बाजार पत्रिका है उसको बेस्ट न्यूज़पेपर की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में एक मद्रास मेल करके आता है, 1870 के लगभग ही आता है ये, है ना। और ये फर्स्ट इवनिंग न्यूज़पेपर था भारत का, एक भारत श्रमजीवी करके आता था, शशि पदा बनर्जी के द्वारा। ये वर्किंग क्लास की दशाओं को दर्शाता था गाइस। उसके बाद में बाबू विवाह जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, बाबू विवाह, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक है, तो प्लीज इसको जरूर याद रख लेना, है ना। और इसमें जो पोलीगेमी है, पोलीगेमी का मतलब क्या होता है, एक से बहु विवाह के बारे में इसके ऊपर बताया गया है। एक ताजिब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान की किताब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, प्लीज इसको याद रख लेना, है ना। एक है इंडियन मुसलमान, ये विलियम विल्सन हंटर की है, WW हंटर की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीनों जो है आपकी, एक तो बाबू विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान की है, एक इंडियन मुसलमान है जो कि WW हंटर की किताब है गाइस, है ना, तो इसको याद रखना है। 1873 में आपका गुलामगिरी आती, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योतिराव फूले की किताब है गाइस। और एक बंगा दर्शन है जो कि किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली है ये सारी की सारी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाबू विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, इंडियन मुसलमान, WW हंटर के द्वारा, गुलामगिरी है ज्योतिबा फूले के द्वारा, और बंग दर्शन है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप सबको, एवरीवन? चलिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया 1875 तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब 1857 के बाद की जो है उसको कंप्लीट करेंगे, 1875 से 1899 तक की। इसमें कौन सी करेंगे, 1875 से 1899 तक की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उनको करेंगे। अब आपका आता है एक 1875 में द स्टेट्समैन, ये पूछा गया है ऑलरेडी, द स्टेट्समैन। और द स्टेट्समैन किसका है आपका, रॉबर्ट नाइट, किसकी है द स्टेट्समैन, किसकी है, रॉबर्ट नाइट की किताब है। उसके बाद में सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये दोनों के दोनों, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती की गाइस। उसके बाद में आपका है द हिंदू, ठीक है। द हिंदू आज भी न्यूज़पेपर आता है गाइस, आप सबको पता है कि इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर है जो कि बहुत जाना माना न्यूज़पेपर है भारत का, द हिंदू। उसका प्रकाशन 1878 में शुरू हुआ था, जी सुब्रमण्यम आयर, ठीक है, ये इसके एडिटर हुआ करते थे, चेन्नई से निकलता था आपका, कहाँ से निकलता था गाइस, चेन्नई से। एक है 1880 में दैनिक बसुमती, कौन सा न्यूज़पेपर है, 1880 का दैनिक बसुमती, उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय का, किसका है, उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय का, 1880 का है दैनिक बसुमती है उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय का। उसके बाद में 1881, 1881 और गौ करुणा निधि का है ये नाम है इनकी बुक का, और ये आपकी दयानंद सरस्वती का। देखो गौ, गौ का मतलब क्या होता है, गाय, ठीक है। तो बेसिकली ये पैम्पलेट उन्होंने निकालते थे गाय की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, किसकी प्रोटेक्शन के लिए, गाय के संरक्षण के लिए, गौ करुणा निधि, ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा,
ये क्या थे, पेम्पलेट थे गाय की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए। अब मैं दो तीन चीजें जो अभी आपके आएंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। केसरी, केसरी किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है, जो कि मराठी लैंग्वेज में निकलता था, किसमें है, मराठी भाषा का है गाइस, किसका है, मराठी भाषा का। केसरी किसका है, बाल गंगाधर तिलक, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा साइंस। और मराठी न्यूज़पेपर है, एक मराठा है, केसरी और मराठा दोनों के दोनों बाल गंगाधर तिलक के हैं गाइस, लेकिन जो मराठा है वो अंग्रेजी में था, इंग्लिश लैंग्वेज में, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में है, केसरी है वो मराठी भाषी में है। इसको एक आता था आपका ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, दयाल सिंह मजीथिया, ये लाहौर से निकलता था गाइस ट्रिब्यून, इसको याद रख लेना, ट्रिब्यून कहां से निकलता था आपका, लाहौर, कहां से निकलता था, लाहौर से निकलता था, तो इसको भी याद रख लेंगे। उसके बाद में गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं गाइस, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इसमें आपको एक भी चीज छोड़नी चाहिए, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और ये इतने अच्छे से इसको सेटल किया है कि ईयर वाइज आपको दिया गया है, तो कोई भी इसको मिस नहीं करेगा। 1882 ईयर देखो यहाँ पे है, ये नेम है, ये इसके एडिटर है, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन या रिमार्क या हिंदी में विवरण। अब देखो आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, और ये आनंद मठ किसके बारे में है, इसकी विषय वस्तु क्या है गाइस, सन्यासी रेबेलियन, सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा है, और वंदे मातरम है गाइस वो आनंद मठ का ही पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंदे मातरम है गाइस, ठीक है, वंदे मातरम है, ये आनंद मठ का है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहां से उठते हैं, सबसे तीन क्वेश्चन बेसिकली उठ जाते हैं, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी किसके बारे में है, सन्यासी रेबेलियन के बारे में है, आनंद मठ से हमने वंदे मातरम लिया, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्वदेश मित्रम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जी सुब्रमण्यम आयर, वही हिंदू न्यूज़पेपर वाले है ना, ये तमिल न्यूज़पेपर निकलता था, तो यहां पे स्वदेश मित्रम, ठीक है, स्वदेश मित्रम, जी सुब्रमण्यम आयर, और ये तमिल न्यूज़पेपर आपका हुआ करता था, इसको याद रखेंगे। उसके बाद में 1883 संजीवानी, ठीक है, ये भी काफी बार पूछा गया आपसे, कृष्ण कुमार दत्ता इसके एडिटर थे गाइस। अब देखो संजीवानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साधारण ब्राह्मण समाज की जनरल थी, और इस संजीवानी ने ही पहली बार पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको अनाउंस किया था गाइस, ठीक है। तो संजीवानी फर्स्ट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन 6 जुलाई 1905, और इसी ने 13 जुलाई 1905 को बाइकोट है उसके बारे में छापा था गाइस। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सुन लीजिए, संजीवानी है जनरल थी, कृष्ण कुमार दत्ता इसके एडिटर हुआ करते थे, साधारण ब्रह्म समाज की मैगजीन थी, इसने पहली बार बंगाल के विभाजन के बारे में छापा गाइस, ठीक है, बंगाल की जो पार्टीशन हुआ था विभाजन उसके बारे में इसने छापा। उसके बाद में ये भी देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉइस ऑफ इंडिया, दादाबाई नारोजी, दादाबाई नारोजी तो आपको सबको पता है एग्जाम के लिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो वॉइस ऑफ इंडिया दादाबाई नारोजी बॉम्बे से आपका ये निकलता था गाइस। एक दीपिका, ठीक है, अब ये तो कोई भी नहीं भूलेगा, दीपिका को तो सब लोग याद रखते हो आप, है ना, तो ये मलयालम न्यूज़पेपर था गाइस, है ना। और निधि हरि मणि कथानार ये इसके एडिटर थे गाइस, तो इसको याद रख लें, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है आपका शूद्रक, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना। शूद्रक गोपाल कृष्ण गोखले, एक न्यूज़पेपर निकलता था आपका, है ना। एक प्लेन टेल्स फ्रॉम हिल्स, देखो कितना अच्छा नाम है, प्लेन टेल्स
फ्रॉम द हिल्स, रुडियार किपलिंग की एक आपकी है बुक है बेसिकली, जो कि कलकत्ता से निकल मीन्स से संबंधित है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, रुडियार किपलिंग, है ना। अब उसके बाद में मलयालम मनोरमा ये छोड़ सकते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, अरबिंदो घोष की है और ये एक आर्टिकल बेसिकली छापा था उन्होंने 1893 में, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, अरबिंदो घोष, ये एक उन्होंने लेख लिखा था बेसिकली। क्या लिखा था? एक आर्टिकल लिखा था, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1893। तो इसको भी हम सब लोग याद रख लेंगे गाइस। उसके बाद में आपका ईयर है ईयर 1895, ठीक है, और परिवाचक है ना, एडिटर स्वामी विवेकानंद है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है गाइस कि आपसे पूछ ले, बताइए भाई स्वामी विवेकानंद के बुक्स एंड न्यूज़पेपर का नाम बता दो आप। तो परिवाचक किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद की बुक थी गाइस। एक आपका महायात्रा, एक राधानाथ रे के द्वारा ये लिखी गई है ना। एक स्वामी विवेकानंद की एक और आपकी एक जर्नल आती थी, प्रबुद्ध भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। ये मंथली एक जर्नल निकलती थी इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो देखो विवेकानंद से संबंधित काफी आएंगी इसमें, परिवाचक स्वामी विवेकानंद, ठीक है, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद, उद्बोधन स्वामी विवेकानंद, भारतम भारत, भारतम भारत एक उद्बोधना ये हमने देख लिया, द सनसेट ऑफ द सेंचुरी ये रविंद्रनाथ टैगोर की है, ठीक है। भारतम भारत ये स्वामी विवेकानंद का क्या है? एक ऐसे है, और उद्बोधना ये स्वामी विवेकानंद की क्या है? मैगजीन है। तो इसको सब लोग याद करें। और ये जो उद्बोधन है गाइस, ये जो रामकृष्ण मठ है उसका ये पब्लिकेशन था बेसिकली, रामकृष्ण जो मठ है उसका ही ये क्या था? पब्लिकेशन था। मैं दोबारा से आपको रिपीट करवाता हूं, परिवाचक, ठीक है, प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, भारतम भारत, उद्बोधन, मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। देखो सब लोग, परिवाचक, प्रबुद्ध भारत, पीछे पीछे बोलते जाओ, आप जब बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। परिवाचक, प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, भारतम भारत और उद्बोधन, स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। अब बीच में एक ये आया है, द सनसेट ऑफ द सेंचुरी, ये है रविंद्रनाथ टैगोर का गाइस। किसका है गाइस? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और अब जो हम करने वाले हैं वो 1900 से 1915 तक करेंगे गाइस, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि यहां से आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, एक बहुत ही उथल पुथल वाला पीरियड था गाइस, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट हो जाता है यहां से, तो 1900 से 1915, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए अब देखो 1900 में आपका निकलता है, 1900 में ओ हेराल्डो, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बस थोड़ा सा याद रख लेना, फर्स्ट डेली पुर्तगीज न्यूज़पेपर था गाइस, है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गोवा का पहला डेली पुर्तगीज न्यूज़पेपर कौन सा था? तो ओ हेराल्डो, ठीक है। हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार लगा लो पांच वाले, एक पे नहीं पांच लगा लीजिए। रमेश चंद्र की बुक, आरसी दत्त की बुक है, पहले भी इसकी चर्चा की थी गाइस हमने, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब है गाइस, है ना, जो हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई रिपीट, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो किसकी किताब है? आरसी दत्त की किताब है। अब हमारे गांधी बाबा के भी यहाँ पे आने लग जाएंगे, तो इंडियन ओपिनियन, ये क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछा गया है गाइस, इंडियन ओपिनियन 1903 में मोहनदास करमचंद गांधी, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका से निकलता था इनका इंडियन ओपिनियन, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन ओपिनियन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, तब आपके सबके सही होने चाहिए,
ठीक है, और मैं वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप जितनी एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पे कर लो। इंडियन ओपिनियन है वो मोहनदास करमचंद गांधी, नटल प्रोविंस साउथ अफ्रीका से ये निकलता था आपका बेसिकली। उसके बाद में 1905 में बंदे मातरम अरबिंदो घोष सबको बताया गया। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से निकल जाता है, ठीक है, लंदन से इन्होंने शुरू किया, फिर 1907 में ये पेरिस से निकलने लग जाता है, ठीक है। ईयर लंदन में 1905 और पेरिस में 1907। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम अरबिंदो घोष, दोबारा से पढ़ लीजिए, वंदे मातरम आपका अरबिंदो घोष, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद में 1906 में आ जाऊंगा, है ना। अब ये टाइम पीरियड आप याद रखना गाइस, टाइम पीरियड कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन वाला, ठीक है, इतना तो सबको पता है, स्वदेशी आंदोलन का टाइम अभी चल रहा है आपका। संध्या, बीबी उपाध्याय, युगांतर, बरिंद्र घोष, ठीक है। काल न्यूज़पेपर निकलता था जो कि महाराष्ट्र से निकलता था, एक भारत माता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजीत सिंह के द्वारा, ठीक है, अजीत सिंह, है ना। और इनकी एक जर्नल भी थी अंजुमन ए मोहा सिंह, ठीक है। अजीत सिंह कौन है गाइस, भगत सिंह के चाचा, ठीक है, भगत सिंह के चाचा है ये, अंकल भगत सिंह के अंकल हैं अजीत सिंह जी, ठीक है। भारत माता एक जर्नल थी गाइस, प्लीज इसको याद रख लेना सब लोग। ना अब 1909 में, है ना, अभी तो सबको बताया गया, इस बंदे मातरम बिकाई जी मैडम कामा कहाँ से, पेरिस। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, ठीक है, मराठी लैंग्वेज की किताब ही गई, है ना। इसी में जो 1857 का जो वॉर है उसको क्या बोला गया है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको याद रखना। उसके बाद में एक आती है द लीडर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। द लीडर कौन है, मदन मोहन मालवीय, कहाँ से निकलती थी, अलाहाबाद से निकलती थी गाइस। उसके बाद में है आपका हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी जी के दो, एक हमने इंडियन ओपिनियन पढ़ा अफ्रीका, हिंद स्वराज ये कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका से है गाइस, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एक गुजराती लैंग्वेज की बुक है, न्यूज़पेपर नहीं है, ध्यान रखना बुक है गाइस। जब ये लंदन से साउथ अफ्रीका जाते हैं गाइस, ठीक है, उसका वर्णन इसमें करते हैं बेसिकली उस टाइम। अब उसके बाद में आपका आता है 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल्स, फिरोज शाह मेहता, देखो फिरोज शाह मेहता है तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। गांधी जी की कौन कौन सी दो किताब, इंडियन गांधी जी के दो पढ़ लिए हमने, एक तो इंडियन ओपिनियन, एक हिंद स्वराज, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। एक तलवार, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन से गाइस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद में कॉमरेड, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली एडिटर हुआ करते थे। द हिंदुत्व कौन सा है याद रखना, द हिंदुत्व गोपाल कृष्ण गोखले। और केरला कौमुदी सी वी कुन्हीरमन तिरुवनंतपुरम से निकलती थी कहीं से, ठीक है। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, इस पूरी की पूरी स्लाइड को कंफ्यूज नहीं होना। वंदे मातरम बिकाईजी कामा मैडम कामा पेरिस, ठीक। और बिकाईजी कामा क्यों, बिकाईजी कामा किस लिए फेमस है, एक बार थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ आप। इन्होंने कुछ और भी किया था क्या, इंडियन फ्लैग से संबंधित कुछ किया था इन्होंने, याद आ रहा है आपको कुछ, बीकाईजी कामा से रिलेटेड भारत का जो ध्वज है, इंडियन जो हमारा नेशनल फ्लैग है उससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ किया था सही कामा ने, बताओ मुझे। एक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, द लीडर मदन मोहन मालवीय, हिंद स्वराज हमारे गांधी जी, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता, तलवार बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, हिंदुत्वा गोपाल कृष्ण गोखले।
केरला कौमुदी सीवी कुन्हीरमा। ठीक है, तो इसको याद रखो। देखो आप मेरे, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ में बोलते जाओ, जैसे छोटे बच्चे बोलते थे, तो आपको उसी टाइम पे याद हो जाएंगी चीजें। अभी क्लास में याद कर लीजिए सब इनको, ठीक है? चलिए, उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, 1912 में। ठीक है, अल बलगहा, ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर ही था बेसिकली, उर्दू वीकली निकलता था, और अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अल हिलाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस। अब अब्दुल कलाम आजाद कौन है, जानते हो इनको? कौन है बताओ ये अब्दुल कलाम आजाद? अब्दुल कलाम आजाद कौन से हैं ये? अल हिलाल इनका था, उर्दू वीकली निकलता था, ठीक है, बताओ कमेंट करके। एक 1913 में गाइस एक हिंदी न्यूज़पेपर आया था आपका, प्रताप, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके एडिटर हुआ करते थे, ये एक हिंदी न्यूज़पेपर था। दोबारा से देखिए, 1913 में प्रताप नाम का आता था, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके एडिटर हुआ करते थे, हिंदी न्यूज़पेपर है आपका। कौन सा न्यूज़पेपर है? हिंदी न्यूज़पेपर। उसके बाद में आपका हिंदुस्तान गदर, दोबारा से देख लीजिए, यस, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, याद आ गया ना? चलो, वेरी गुड। फिर हिंदुस्तान गदर, ये गदर पार्टी का ही था बेसिकली, सैन फ्रांसिस्को से निकलता था गाइस। हिंदुस्तान गदर याद रख लीजिए, गदर न्यूज़पेपर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, गदर न्यूज़, गदर है ये, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। सैन फ्रांसिस्को से निकलता था, सैन फ्रांसिस्को। 1914 न्यू इंडिया, एनी बिसेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। एनी बिसेंट के दोनों इंपॉर्टेंट है, 1914 1915 में न्यू इंडिया और कॉमन बिल, ये बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, ठीक है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जाने कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया और कॉमन बिल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, एनी बिसेंट और कॉमन बिल आपका, एनी बिसेंट, न्यू इंडिया एंड कॉमन बिल, दोनों के दोनों न्यूज़पेपर हैं ये, काफी दोनों के दोनों हैं ये आपके, एनी बिसेंट की हैं गाइस। चलिए आगे चले, अब 1916 से 1930 देखो, बस आने वाले हैं 1930 तक आगे, हमें 1945 तक पढ़ना है बस, ठीक है, 15 से 20 साल के और बचे हैं। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, यंग इंडिया है ना, देखो दो गांधी जी का हमने दो पढ़ लिया, तीन, तीसरा है ना इंडियन ओपिनियन, याद करते जाओ जो इंपॉर्टेंट है वो, दूसरा सत्यात प्रकाश, सत्यात प्रकाश गांधी जी का नहीं है, किसका है बताओ, सत्यात प्रकाश किसका है, सत्यात प्रकाश किसका है, गांधी जी का नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ, गांधी जी का हमने कौन कौन सा पढ़ लिया जल्दी से, एवरीवन, देखो सत्यार्थ प्रकाश है वो आपका सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का है गैस। सर क्लियर नहीं हो रहा है, ओके, देखो क्लियर, इसको ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करना है, देखो है ना, हाँ देखो, अभी तक हमने तीन पढ़ा है गांधी जी का, इंडियन ओपिनियन, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, यंग इंडिया अभी और पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? दयानंद सरस्वती का है गाइस। उसके बाद में है आपका तरुण भारत, तरुण भारत में बाबूराव ठाकुर, ठीक है, उसके बाद में है द साम, ठीक है, समझा,
ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हो। हाँ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मूक नायक। जो मूक नायक है वो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बी आर अम्बेडकर का है, ये मराठी वीकली है। मूक नायक किसका है गाइस? मराठी वीकली है और भीमराव अंबेडकर का है। मूक नायक काफी बार एग्जाम में पूछा गया, डेट के साथ इसको याद रख लेना, 1920, मूक नायक, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, एक फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ये स्वामीनाथन सदानंद, ठीक है, ये फर्स्ट नेशनल न्यूज एजेंसी है भारत की। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भारत की पहली न्यूज एजेंसी कौन सी है गाइस? फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, स्वामीनाथन सदानंद, दोबारा से देख लीजिए, स्वामीनाथन सदानंद, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट नेशनल न्यूज एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप इसके भी 5 स्टार लगा लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट कम्युनिस्ट जनरल है आपकी, ऐसे डांगे के द्वारा ये एडिट की जाती थी गाइस, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एस ए डांगे, फर्स्ट कम्युनिस्ट जनरल गाइस। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना गाइस, है ना। अब हमने ऐसा ही कुछ सोशियोलॉजिस्ट से संबंधित एक किया था, आपको अगर याद हो तो, थोड़ी सी देर पहले ही, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, एक इंडियन सोशलिस्ट है, एक द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, ये स्वामी श्यामजी कृष्ण वर्मा है इसके, और ये जो है आपका ये इंडियन सोशलिस्ट, ये आपका एस ए डांगे है, फर्स्ट कम्युनिस्ट जनरल है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना आप सब लोग। नाउ अब है बंदी जीवन गाइस, ये सचिन सन्याल की किताब है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, बंदी जीवन है गाइस, ये किसकी है? सचिन सन्याल की किताब है, इसको जरूर याद रखना। एक वन गार्ड है, ये एमएन रॉय का है, कम्युनिस्ट जर्नल है, देख लेना याद रहे तो। आनंद बाजार पत्रिका है, ये बंगाल डेली है, इसको थोड़ा सा जरूर याद रख लेना आप सब लोग, है ना। सुरेश मजूमदार है एंड प्रफुल्ला सरकार है गाइस, कौन कौन है? सुरेश मजूमदार है एंड प्रफुल्ला सरकार। उसके बाद में है आपका, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, एक नवाकाल है ना, ये देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हिंदुस्तान टाइम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, 1924 में आपका हिंदुस्तान टाइम्स, सुंदर सिंह, लायल पुरी और के एम पानीकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि आपका हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर अभी भी चलता है बेसिकली, ठीक है ना। हिंदुस्तान टाइम जो न्यूज़पेपर है वो अभी भी आपका चलता है ना, सुंदर सिंह, लायल पुरी और के एम पानीकर, है ना। एक है आपका अ नेशन इज मेकिंग, एस एन बनर्जी की बुक है गाइस, इसको जरूर याद रखना। एक है आपका फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये किताब है एम एन रॉय की, और कम्युनिस्ट जर्नल है आपका, है ना। एक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये किताब लिखी गई है, दोबारा से देख लीजिए, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये किताब है, एक बुक है गाइस, है ना, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक है, ठीक है, इसको याद रखना। एक है द अनहैप्पी इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। 1928 में अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, ये बुक है। देखो दो तीन चीजें मैंने इंपॉर्टेंट आपके इसमें बताई हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, सुंदर सिंह, लायलपुरी और अ नेशन इन मेकिंग, एस एन बनर्जी, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एम एन रॉय, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। उसके बाद में द अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये इनकी किताब है गाइस, तो इसको भी हम सब लोग याद रखेंगे। चले आगे, ये क्लियर है आप सबको। देखो पीडीएफ जो है वो प्लस वालों को मिलेगा गाइस, इसका जो पीडीएफ है वो प्लस के स्टूडेंट को जो नया कोर्स आएगा उसमें मिल जाएगा आपको पीडीएफ, क्योंकि जो नया प्लस का कोर्स आएगा उसमें मैं ऐसे ही टॉपिक्स है जो आपको करवाने वाला हूँ, यूट्यूब पे है वो आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं होते हैं गाइस, ठीक है।
अब देखो 1927 में क्रांति, मीराकर, जुगलकर घाटे महाराष्ट्र, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय हमने देख लिया, एक नवजीवन गांधी जी का फिर से आ चुकी है, बुक है ये द कल्ट ऑफ बम, ये भी आपका मोहम्मद गांधी महात्मा गांधी का क्या है आर्टिकल है गाइस, एक लेख छपा था उनका द फिलोसफी ऑफ बम, ये भगवती चंद्र बोरा की है गाइस, ठीक है, और भगवती चंद्र बोरा की है, ये एक मैनिफेस्टो था HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मैनिफेस्टो। ये स्लाइड काफी इंपोर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय हमने देख लिया, नवजीवन मोहनदास करमचंद गांधी, द कल्ट ऑफ बम ये भी महात्मा गांधी की है, द फिलोसफी ऑफ बम है ये आपका भगवती चंद्र बोरा की है गाइस, है ना, तो इसको भी हम सब लोग याद रखेंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1930 के बाद के, हमने 1930 तक का कर लिया, अब 1930 के बाद आगे क्या पढ़ेंगे, 1930 के बाद, अब देखो थोड़ा थोड़ा तो शेयर करना ही पड़ेगा आपको, तो एक बार सब लोग थोड़ा थोड़ा सा शेयर और थोड़ा थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, एवरी वन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, आप सभी लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सब लोग एक बार थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करें। नाउ चलिए हरिजन, हरिजन किसका है, मोहनदास करमचंद गांधी का, 1935 में इंडियन स्ट्रगल, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, सुभाष चंद्र बोस की, आपसे कोई पूछ ले सुभाष चंद्र की बोस की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है तो हमें पता होना चाहिए, इंडियन स्ट्रगल ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस जी की, क्या है गाइस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, हरिजन किसका है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी का गाइस। एक है फ्री हिंदुस्तान, ये काफी इंपोर्टेंट है ना, तारकनाथ दास, अगर आपसे पूछें फ्री हिंदुस्तान किसका है तो वो किसका है, तारकनाथ दास, हिंदुस्तान किसका है, मदन मोहन मालवीय, ये एक हिंदी न्यूज़पेपर था, ठीक है। एक आपका लाइफ डिवाइन, ठीक है, अरविंदो घोष, बुक है उनकी, आपसे कोई पूछ ले कि लाइफ डिवाइन किसकी बुक है तो आपने पता होना चाहिए कि भाई ये अरविंदो घोष की बुक है, ओके। अब ये तो आप सबको पता है ना, अलग ही दिख रहा है ना, अब जब अलग दिख रहा है तो अलग ही देश का होगा, ठीक है, तो ये जो डोन है आज भी पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है गाइस, पाकिस्तान से निकलता है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है ये डोन, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना है वो इसके एडिटर हुआ करते थे, दिल्ली से निकलता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, माउथ पीस ऑफ मुस्लिम लीग से संबंधित था, ठीक है, किससे संबंधित था आपका, मुस्लिम लीग से, एवरीवन इसको याद रखना है गाइस। एक एक विप्लवी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इंडिया डिवाइडेड, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, 1946 में एक आपकी किताब आती है इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कौन सा है, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद है इनकी ये किताब हुआ करती थी। उसके बाद में 1947, बस देखो एक और बचा है, एक टेबल और है, स्कोर करते हैं अच्छे से, 1947 द नेशन वॉइस, ठीक है, सी राजगोपालाचारी और मोहम्मद महादेव एच देसाई की ये किताब थी, अब से कोई पूछ ले द नेशन वॉइस किसकी किताब है तो हमें पता होना चाहिए कि सर नेशन वॉइस किसकी किताब है, सी राजगोपालाचारी और महादेव एस देसाई, ठीक है ना। उसके बाद में आपका है सुबह है ए आजादी, फैज अहमद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये पोयम है बेसिकली आपकी, सुबह है ए आजादी, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो सब लोग इसको याद रख लीजिए, सुबह है ए आजादी, फैज अहमद की पोयम है, इसको याद रख लेना। 1955 एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, बुक है गाइस, 1955 में एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद की किताब है गाइस।
नाउ 1956 द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। वीपी मेनन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप सबको पता है भारत का एकीकरण, भारत को जो एक करने में वीपी मेनन का काफी बड़ा हाथ था गाइस, ठीक है। तो द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट वीपी मेनन। 1957 द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, ये भी वीपी मेनन की है। तो वीपी मेनन की दो किताब होगी, कौन कौन सी होगी गाइस? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, एक है द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। कौन सी किताब है? द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। अब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, कौन सी है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू की किताब है। अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी जवाहरलाल नेहरू की है, तो इसको भी याद आप रख लेंगे। दोबारा से देख लीजिए, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की किताब है। उसके बाद में इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब्दुल कलाम आजाद, दोबारा से आगे इनका न्यूज़पेपर का नाम क्या था जल्दी से बता दीजिए? अल हिलाल इनकी मैगजीन थी। अब्दुल कलाम आजाद की कौन सी थी? अल हलाल। अब इनका ये बुक है दूसरी, इंडिया विंस फ्रीडम, कौन सी है गाइस? इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद में 1961 में द यूनिटी ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, कौन सी है? द यूनिटी ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम। 1961 में द यूनिटी ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में 1966 ज्योग्राफी ऑफ पुराना, ये सैयद मुजफ्फर अली, ज्योग्राफी ऑफ पुराना, ज्योग्राफी ऑफ पुराना किसकी किताब है? सैयद मुजफ्फर अली की ये क्या है? किताब है गाइस, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे आपके नोट्स, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको सब लोग याद रखेंगे, है ना। अब आपके बचते हैं एमसीक्यूज, तो हम 20 to 25 एमसीक्यूज हैं जो इसके बेसिस पे हम करेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, तो आज हम इतना ही करेंगे गाइस। अब आपको अगर पसंद आ गया सेशन तो एक बार लाइक और शेयर आपने कर ही दिया होगा, जिसने नहीं किया है वो एक बार कर दीजिए। उसके अलावा गाइस अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं मेरे से इसी तरह से, मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री है उसका कोर्स आपको करवाऊंगा। मैंने एक पार्ट करवा दिया है, दूसरा पार्ट अभी आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका प्लस पे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको ले सकते हैं गाइस। किसी को कोई भी डाउट हो प्लस सब्सक्रिप्शन से या और आपको कोर्सेज से डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है 12+2 का, 27 अक्टूबर तक का, ठीक है। आइकोनिक या प्लस जो भी आपको पसंद आए वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके प्लस के प्लान हैं सारे के सारे, ठीक है। और 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ, रेफरल कोड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा गाइस। 11,600 से आपकी फीस हो जाएगी 10,440, प्लस आपको अपने क्रेडिट्स का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ से मिल जाएगा, आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी गाइस, ठीक है। उसके बाद में ये आइकॉनिक के प्लान है 24 मंथ, 12 मंथ एंड 6 मंथ। रेफरल कोड जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपको 10% डिस्काउंट है वो आप मिलेगा। ये आपके बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस एंड आइकॉनिक में मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलता है आइकॉनिक और प्लस में। लेकिन ज्यादा फायदा होगा वो आपको किसमें होगा? आइकॉनिक में होगा। अगर कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट इसमें लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं कि गाइस ये सर ये इन अप्रोप्रिएट है गाइस, ठीक है। उसके अलावा आपकी स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग है 7:30 पेपर वन का, और शाम को 4 बजे आपकी क्लासेस होती हैं पेपर टू। कौन सी क्लास होगी? पेपर टू। तो आप सब लोग इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये शेड्यूल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इनवाइट कोड आप सबको पता है Shiv10, इस कोड को लगा के आप PDF और क्लासेस दोनों देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप मुझे यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। कल आपका क्लास नहीं होगा,
ठीक है। कल आपका क्लास बेसिकली नहीं है गाइस, 9 AM पे आपका क्लास है यूट्यूब पे, स्पेशल क्लास कल नहीं है अपना, 9 AM पे आपका क्या है यूट्यूब का क्लास है, उसमें हम मिलेंगे। चलिए तो थैंक यू सो मच, आप सभी को भी बहुत सारा धन्यवाद, आप भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट हैं सब लोग, तो ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। चलिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप्स।